Road Safety World Series 2022 Final Match India Legends vs Sri Lanka Legends. India Legends ने Sri Lanka Legends को हराया 33 रन से और Naman Ojha he scored unbeaten 108 runs of just 71 balls और सेमीफाइनल मैच में भी वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ही स्कोर्ड अनबीटन 90 रन्स। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया की जीत का बोझा उठाया Naman Ojha ने और ही वॉज द लीडिंग रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि Naman Ojha टीम इंडिया से कब खेले, खेले तो कैसा खेले, तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा। Unfortunately, Naman Ojha टीम इंडिया के दरवाजे उस टाइम पर खटखटा रहे थे जब महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर के पीक पर थे। Naman Ojha ने एक टेस्ट मैच खेला 2015 में विराट कोहली की कैप्टेंसी में, एक वनडे मैच खेला श्रीलंका के खिलाफ इन द ईयर 2010 और दो T20 मैचेस खेले इन द ईयर 2010 वर्सेस जिम्बाब्वे। अब आप बोलेंगे कि मैचेस तो बता दिए, रन तो बताओ। मैं बताता हूँ ना, 2015 जो टेस्ट मैच खेला उसमें उनके नाम रहे 56 रन और एक वनडे मैच में सिर्फ एक रन और दो T20 मैचेस में उनके नाम है 10 रन। ये बात तो लाजमी है, अगर टीम इंडिया में जगह बनाई थी तो डोमेस्टिक क्रिकेट में रिकॉर्ड तो बेहतरीन रहा होगा। तो 146 फर्स्ट क्लास मैचेस में उनके नाम है 9753 रन, हाईएस्ट स्कोर है अनबीटन 219 रन। लगता है Naman Ojha को अनबीटन रहना काफी पसंद है। वही 143 लिस्ट मैचेस में उनके नाम है 4278 रन, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में रिकॉर्ड तो जबरदस्त था। और 15th of February 2021 उन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया। Naman Ojha जो इतनी तगड़ी पावर हिटिंग करते हैं, बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, तो क्या कभी वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेले? तो आपकी यादों को ताजा करता हूँ, उन्होंने 113 मैचेस खेले आईपीएल में एंड ही हैज 1554 रन्स अंडर हिज बेल्ट और उनके नाम है 6 हाफ सेंचुरीज भी। वो खेले हैं दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। अब आपको याद होगा 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद बना था आईपीएल का चैंपियन, ये तो याद होगा। Naman Ojha उस टीम का हिस्सा थे। अब आपका रिएक्शन होगा, ओ अच्छा अब याद आया, आया ना। तो ऐसा रहा Naman Ojha का छोटा सा करियर। वो अनक्वेश्चनेबली टीम इंडिया में जगह डिजर्व करते थे पर उस टाइम पर महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर के पीक पर थे। वक्त खराब या फिर किस्मत खराब, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी अपडेट्स हमारे पास आए ना वो आप तक पहुंचे सबसे पहले, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी स्पीड ब्रेकर के। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर तो हमें लाइक करना, अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। और आपको क्रिकेट अपडेट्स का एक और जरिया बताऊं, टेलीग्राम पर जाकर हमें ज्वाइन करो, फिर देखो वहां पर बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।